Hello, happy evening. Thank you so much. I don't know मैं क्या कहना चाहूँगी बच्चे को लेकर आई थिंक आई मे बी दे फील कि मैं भी बच्ची हूँ और उनसे मिलती जुलती हूँ मे बी दैट्स वाई दैट आई हैव दिस रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद किड्स बट मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे मुझे पसंद करते हैं बिकॉज किड्स आर योर मोस्ट लॉयल ऑडियंस और जब आप उनसे मिलते हो उनका प्यार इतना मतलब यू नो भरपूर है दे जस्ट गिव यू सो मच अनकंडीशनल लव दैट इट फील्स रियली रियली नाइस सो आई एम क्वाइट ग्रेटफुल हाँ पर आई मीन वाई नॉट दे ऑल सच ब्यूटिफुल गर्ल्स एंड लाइक उन्होंने सब मुझे इतना वॉर्म्थ और इतना प्यार दिया है सो आई ओनली वॉन्ट गिव लॉट्स ऑफ लव एंड वॉर्म्थ बैक मैं इतना मिस नहीं करती हूँ क्योंकि ये टाइम भी बहुत खूबसूरत है एंड आई हैविंग लॉट्स ऑफ फन और मेरे अंदर बचपना अभी भी है बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से आई थिंक कभी कभी वो यू नो द फैक्ट कि कुछ स्ट्रेस नहीं था और समर वेकेशन मिलते थे वो मतलब थोड़ा सा मिस कर रही हूँ अभी जी आज मैं बैक इन टाइम जा रही हूँ अपने परफॉर्मेंस के साथ मैं अपने बचपन के डेज विजिट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू स्कूल Really? How old is she? 8 years old. Oh my god, that's amazing. And you let her watch the film? Yes. That's lovely. Love you. Thank you. You know, I take it very well, but I also feel very responsible because like you said, they're children, they're very impressionable. So the way I conduct myself and the way and the things I say, I find it very important ki main kuch galat ya kuch galat na karu ya galat na kahu. मैंने काफ़ी गलतियाँ की है मतलब जी के वी के को लेकर बट आई थिंक द ओवरऑल पर्सनैलिटी आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू पुट आउट अ वेरी पॉजिटिव हार्ड वर्किंग एंड प्लेजेंट पर्सनैलिटी सो द किड्स कुड यू नो काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम दैट मेरे को सीनियर बना दिया प्लीज आई नॉट अ सीनियर आई मीन या आई हैव ग्रेजुएटेड बट सीनियर ग्रेजुएशन से सीधा सीनियर नहीं बनते हाँ उनके या आई मीन आप अगर कहोगे तो हाँ सीनियर बट आई डोंट थिंक हमारे साथ ऐसा वाइब है दे आर नॉट वेरी मच यंगर देन मी मैं क्यों बताऊँ आप शाहरुख सर से पूछिए नहीं मैं नहीं बता सकती मैं बहुत बताऊंगी कलंक के बारे में कि 18 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है अगले साल 2019 गली बॉय इज़ रिलीजिंग 14 फेब गली बॉय इज़ बीन सेलेक्टेड एट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल ये ब्रह्मास्त्र रिलीज़ हो रही है क्रिसमस को क्या साल होने वाला है अगले साल हाँ क्या बोलूँ स्वीकार कर लिया है किस बात को स्वीकार करूँ क्या सोशल मीडिया पे रिएक्ट किया अरे फ्यूचर तुम लोग फ्यूचर में क्यों जा रहे हो अभी प्रेजेंट में रहो यू नो मेक मोस्ट ऑफ द मोमेंट Stay in the moment. Future में कलंक ने ब्रह्मास्त्र नो ओके कैन आई से समथिंग गाइस दैट्स माई फेस जब मैं रेस्ट करती हूँ ना तो मेरा फेस ऐसा होता है That's my face, my resting face. मैं बिल्कुल upset नहीं थी I'm very happy and I'm a very happy person. But that's my resting face, sadly. मैं क्या लोग मुझे नानी बुलाते हैं इस वजह से कि आप हमेशा नानी लगती हो I always look frown, like I'm always frowning. But I wasn't upset at all.
To be honest, like, I don't want to talk about it and I'm feeling shy, but I love my father, and anything he says is means obviously the world to me. But I don't want to talk about this right now. Yeah, but it's not making me feel shy. Okay, wishing all of you lovely, beautiful people a very, very happy new year. Kya karu? 2019, new year, new goals, new achievements. मैं रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, पर आई थिंक मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होगा. हाँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई मेडिटेशन. मैं कोशिश करना चाहूँगी कि मैं वो मतलब जारी रखूँ. अब मैं जाऊँ यहाँ पे बैठ के चेयर पे मतलब चाय कॉफ़ी पी, आई कांट. अभी हो गया ना इतना, अभी रुको, काफ़ी टाइम है. बाय. बहुत ही गौरी नैनिका, गौरी नैनिका, ब्यूटीफुल ग्रेस. हैप्पी न्यू ईयर टू यू.